अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 13 सिविल लाइन पर मौजूद, 13 सिविल लाइन पर हलचल बढ़ गई है। बीजेपी विधायक पहुंच रहे हैं वसुंधरा राजे से मिलने के लिए। इस वक्त की ताजा जानकारी आपको हम दे दें, 13 सिविल लाइन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे यहां पर मौजूद हैं और उनसे मिलने के लिए जो विधायक हैं बीजेपी के, उनका आने का सिलसिला जारी है। चूंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब नतीजे आए थे और उसके बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने तमाम अपने समर्थित विधायकों को बुलाया था और विधायक पहुंचे भी थे पूर्व सीएम से मिलने के लिए। उसके बाद वसुंधरा राजे की मुलाकात तमाम राष्ट्रीय नेताओं से होती है और उसके बाद कौन होगा सीएम का चेहरा, इस पर जब मंथन बीजेपी में हो रहा है तो वसुंधरा राजे भी कुछ सार्वजनिक तौर पर बयान देती हुई इन दिनों नजर नहीं आई हैं। लेकिन क्या अब बिल्कुल शांति है, क्या वसुंधरा राजे के चेहरे पर विचार हो रहा है या फिर अभी किसी नए चेहरे पर बीजेपी आलाकमान विचार कर रहा है, क्या वसुंधरा राजे अभी किसी कश्मकश में है या फिर अभी पार्टी आलाकमान के सामने अपनी शक्ति का जो प्रदर्शन है वो फिर से करती हुई नजर आएंगी, या फिर क्या होगा, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री राजस्थान का, बीजेपी क्या वसुंधरा राजे को मौका देगी या फिर किसी नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो गतिविधियां हैं वो लगातार जारी हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे इस वक्त 13 सिविल लाइन अपने आवास पर मौजूद है और बीजेपी विधायक उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। तो बीजेपी विधायकों से मिलने का जो सिलसिला है वसुंधरा राजे का वो लगातार जारी है। अभी फिलहाल विधायक दल की बैठक होनी है, पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक लेंगे, लेकिन उससे पहले वसुंधरा राजे से मिलने विधायक पहुंच रहे हैं। बीजेपी के तमाम विधायक 13 सिविल लाइन पर हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है और वसुंधरा राजे से विधायक मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा जब नतीजे आए तो उसके बाद वसुंधरा राजे ने तमाम विधायकों को बुलाया था और एक तरीके की शक्ति अपनी दिखाने की कोशिश की थी कि देखिए मेरे कितनी संख्या में विधायक हैं। लेकिन बीजेपी आलाकमान और विधायक दल अल्टीमेटली इन्हें फैसला लेना है। अब बीजेपी आलाकमान और राष्ट्रीय नेताओं के साथ वसुंधरा राजे की उसके बाद मुलाकात भी हुई और शांत इस समय वसुंधरा राजे नजर आई। लेकिन अब एक बार फिर 13 सिविल लाइन पर हलचल बढ़ गई है। वसुंधरा राजे से मिलने के लिए बीजेपी के विधायकों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। क्या होगा राजस्थान में, कौन होगा मुखिया राजस्थान का, क्या किसी नए चेहरे को मिलेगा मौका या फिर वसुंधरा राजे पर ही फिर से भरोसा जताएगा बीजेपी आलाकमान। हलचल तेज क्योंकि फैसला जब तक नहीं आएगा इसी तरीके से हलचल तेज रहेगी। बीजेपी विधायक वसुंधरा राजे से मिलने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं 13 सिविल लाइन पर। इस समय हलचल काफी बढ़ गई है। वसुंधरा राजे जयपुर स्थित अपने आवास 13 सिविल लाइन में मौजूद हैं और उनसे मिलने के लिए जो विधायक हैं बीजेपी के वो लगातार जा रहे हैं। इससे पहले पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की मुलाकात तमाम बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं से भी हुई और उसके बाद शांत वसुंधरा राजे होती हुई नजर आई। लेकिन क्या एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई है, क्योंकि जब तक सीएम के चेहरे पर मोहर नहीं लग जाती ऐसी कोई भी गतिविधि, तमाम जो कयास हैं इसे लेकर कयासों के बाजार गर्म हो जाते हैं। क्योंकि अभी भी बीजेपी के तमाम विधायक वसुंधरा राजे से मिलने के लिए 13 सिविल लाइन स्थित उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी राजधानी जयपुर से ये खबर आ रही है, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे 13 सिविल लाइन अपने आवास पर मौजूद और उनसे मिलने पहुंचे हैं विधायक। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ गए इस खबर पर। लाल सिंह, क्या जानकारी, कौन कौन से विधायक का पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मिलने पहुंचे हैं और इस हलचल के क्या मायने निकाले? बिल्कुल नंदी, आपकी आवाज मिल रही है। बिल्कुल यहाँ पे लगातार विधायकों का आना जाना जारी है और अभी बहादुर सिंह कोहली पहुंचे हैं, उससे पहले कुछ देर पहले जगत सिंह जो नदवे से विधायक है वो पहुंचे थे। अंशवान सिंह भाटी पहुंचे थे अपने दादा देवी सिंह भाटी के साथ और लगातार इस तरह विधायकों का सिलसिला जारी है। कालचंद सर्राफ मिलकर निकल चुके हैं यहाँ से, राजपाल सिंह अंदर है, बहादुर सिंह कोहली अभी पहुंचेंगे। तो लगातार आज सुबह से ही 13 सिविल लाइन में फिर हलचल बढ़ गई है। अब चूंकि ऐसे में लगातार सीएम की रेस को लेकर जो सस्पेंस बरकरार है, ऐसे में यहाँ पर विधायकों का आना एक बार फिर हलचल बढ़ा रहा है और सियासी हलकों में कुछ चर्चाओं को भी गर्म कर रहा है।
तो ये कह सकते हैं नंदनी एक बार फिर जब तक ये विधायक दल की बैठक नहीं हो जाती इस तरह की तमाम तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी। और चूंकि इस बात से कभी इनकार किया ही नहीं जा रहा था कि वसुंधरा राजे सीएम की रेस में है, तो निश्चित रूप से वो सीएम की रेस में है। और ऐसे में अब लगातार जो आज हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सुबह से ही यहाँ विधायकों का लगातार आने का सिलसिला जारी है। हाँ जी लाल सिंह, इससे पहले भी एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन होता है, वसुंधरा राजे अपने आवास पर कई विधायकों को बुलाती हैं, फिर इस तरीके के आरोप भी लगते हैं कि जी बाड़ेबंदी का प्रयास किया जा रहा है, फिर उसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ वसुंधरा राजे की मुलाकात होती है और फिर वो शांत होती हुई इन दिनों में नजर आती हैं। लेकिन अब एक बार फिर से जो ये हलचल शुरू हुई है, इतनी आसानी से किसी नए चेहरे को बीजेपी आलाकमान चुन लेगा ये नजर नहीं आ रहा। देखिए बिल्कुल देरी की वजह नंदनी यही है कि नए चेहरे को नहीं, पुराने चेहरे को भी आसानी से चुन लेगा ये भी आसान रहा नजर नहीं आ रही है। चूंकि दूसरा गुट भी लगातार ये आवाज उठा रहा है कि इस बार का चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर हुआ, कमल के निशान पर हुआ था, तो रहा दोनों तरफ आसान नहीं है नंदनी। पुराने चेहरे को भी चुनना इतना आसान नहीं है और नए चेहरे को चुनना तो बिल्कुल आसान है ही नहीं, आप सही कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल अब ये विधायक दल की बैठक के बाद ही तय हो पाएगा कि राजस्थान का मुखिया कौन होगा, क्योंकि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है, पर्यवेक्षक कभी भी राजस्थान आ सकते हैं और संभवतः कल नहीं तो मंगलवार को हर हालत में ये तय मानिए कि विधायक दल की बैठक होगी और उस विधायक दल की बैठक के बाद ये निकल जाएगा कि राजस्थान का मुखिया कौन होगा, नया चेहरा होगा या फिर पुराने चेहरों पर दाव खेला जाएगा। मंगलवार तक या सोमवार तक उम्मीद है कि विधायक दल की बैठक हो और उसके बाद जो चेहरा है उसे लेकर सस्पेंस खत्म हो, क्योंकि सभी इंतजार कर रहे हैं, प्रचंड बहुमत बीजेपी को दिया है, तो उम्मीद यही है कि सशक्त सरकार जल्द से जल्द बने। और शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए।